students. Good morning to all of you. I am Rusa Rizwan, your social study teacher. Today it is the first day of online class of social study for the students of Al-Hidayah Public School. I hope so, dear students, you will enjoy the class and आपको बहुत मजा भी आएगा और आप बहुत कुछ सीखेंगे. ये जो क्लास है लेक्चर वन है ये सोशल स्टडी का. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट हम सोशल स्टडी ले रहे हैं यहाँ पर, और ये जो एक जनरल नॉलेज है सोशल स्टडी के बारे में उसका इंट्रोडक्शन है वो मैं यहाँ पर आपको डिफाइन करने जा रही हूँ. इसलिए ये जो लेक्चर है हमारा ये आप क्लास सिक्स क्लास सेवन क्लास एट तो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स आप सारे मिलकर इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे जहन में आता है वो ये है कि सोशल स्टडी एक्चुअली है क्या. सोशल मीन्स क्या है और स्टडी मीन्स क्या है. तो बच्चों स्टडी मीन्स तो आपको पता ही है कि क्या होता है. आप हमेशा आपसे कहा ही जाता है स्टडी कीजिए स्टडी कीजिए. तो स्टडी मीन्स तो हो गया कि पढ़ना या फिर अध्ययन करना, यानी बहुत ध्यान से किसी चीज को पढ़ना. और सोशल का मतलब क्या हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड वो स्टडी या वो सीखना सिखाना जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है उसको हम बोलेंगे सोशल स्टडी. जैसे कि डेफिनेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेन वी स्टडी अबाउट द सोसाइटी विद कॉन्टेक्स्ट टू इट्स पास्ट. जब हम स्टडी करते हैं सोसाइटी की, और किस कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करते हैं सोसाइटी की, उसके पास्ट यानी कि हिस्ट्री की, इट्स हैबिटेंट्स यानी कि ज्योग्राफी की, एंड इट्स पीपल यानी कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों की राइट्स और ड्यूटीज की यानी कि सिविक्स की, देन वी कैन से इट इज सोशल स्टडी. अब यहाँ पर सोशल स्टडी का मतलब कोई एक सब्जेक्ट नहीं है बच्चों. सोशल स्टडी के अपने कुछ ब्रांचेस होते हैं जो कि आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन से ही आपको समझ आता है कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की भी, हिस्ट्री अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथ में सिविक्स यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की, ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट है. तो जब हम इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है, सोशल स्टडी कहलाता है. और इस सोशल स्टडी को हम देखें कितनी आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं. थ्री ब्रांचेज है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया. अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ये तीन ब्रांचेज में क्या क्या इन ब्रांचेज में डिफरेंस है हमारे. देखिए हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, अभी आप इन सबको भूल जाइए, ज्योग्राफी को भूल जाइए, सिविक्स को भूल जाइए, अभी आप फोकस करते हैं हिस्ट्री पे. और मुझे पता है बच्चों सबसे ज्यादा डर अगर लगता है आपको तो वो हिस्ट्री से लगता है क्योंकि आपको डेट्स वगैरह याद करनी पड़ती है. लेकिन देखिए हम कितनी आसानी से आपको हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं यहाँ पर. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हिस्ट्री जो है ये बना किस वर्ड से है. तो यहाँ देखिए ग्रीक वर्ड यानी कि यूनान का एक शब्द है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक का एक शब्द है. क्या है ये शब्द, कौन सा वर्ड है ये, हिस्टोरिया. हिस्टोरिया एक वर्ड है जिसका मतलब होता है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन. वो इंफॉर्मेशन वो सूचना जिसको इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हमने कैरी किया है, हम लेकर आए हैं, उस इन्फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में हिस्टोरिया बोलते हैं. और इसी वर्ड से ड्राइव हुआ है वर्ड हिस्ट्री. अच्छा हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम ये हमेशा कहते हैं कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. तो पास्ट का तो मतलब कि जो कल था, यानी कि अभी कल की अगर हम बात करें तो कल तो हमने बहुत सारे काम किए, देश में बहुत सारे काम हुए, दुनिया में भी बहुत सारे काम हुए, लेकिन हर वो पास्ट हिस्ट्री नहीं होता है. हिस्ट्री होता ये है कि जब हमें जिस पास्ट के एविडेंस मिलते हैं, जिस पास्ट के हमें सोर्सेज मिलते हैं, वो पास्ट हमारा हिस्ट्री होता है. सोर्सेज के बगैर हम हिस्ट्री को स्टडी नहीं कर सकते. हिस्ट्री का कोई वजूद नहीं होगा अगर उसके एविडेंस नहीं होंगे, अगर उसके कोई सोर्सेज नहीं होंगे. अब अगर हमें किसी भी सोसाइटी के बारे में उसकी हिस्ट्री पता करनी है तो हम कैसे पता करेंगे, हमें उसके सोर्सेज पता होने चाहिए. अब हम सोर्सेज कौन कौन से ले सकते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, आइए देखते हैं. तीन तरह के यहाँ पर सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलती है. पहला सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि वो सोर्स जो कि मॉन्यूमेंट्स के थ्रू, इंस्क्रिप्शंस के थ्रू, कॉइंस के थ्रू और स्टैच्यूज के थ्रू हमें मिलता है. अब जब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं, और यहाँ मैंने बात करी मॉन्यूमेंट्स यानी कि बिल्डिंग्स, वो बिल्डिंग्स जो
कभी पुराने जमाने में किंग्स ने बनवाई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें ताजमहल की, जो बहुत पॉपुलर है और आप सब आसानी से समझ सकते हैं। हम बात करें रेड फोर्ट की, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है, हम बात करें आगरा की फोर्ट की, हम बात करें आमेर फोर्ट की, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि ये एक बनी हुई बिल्डिंग है जिसको इनके राजाओं ने बनवाया था। तो ये तो हो गए मॉन्यूमेंट्स हमारे। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस वो सोर्सेज होते हैं जो कि पत्थरों पर लिखा गया उस जमाने में जिस जमाने में कागज और पेन नहीं चलता था। तो हमारे जहन में अचानक से अशोक का नाम आता है, सम्राट अशोक, जिसके इंस्क्रिप्शन सबसे पहले हमें इंडियन हिस्ट्री में मिले और जो जिनके बारे में हमें सम्राट अशोक के बारे में पता चला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कॉइन्स की, यानी जो सिक्के। हर राजा ने एक टाइम आया ऐसा जहाँ पर मेटल्स के सिक्के चलवाए, गोल्ड के, कॉपर के। तो जो पुराने जमाने के सिक्के हैं अक्सर जो ब्यूरी मटेरियल के थ्रू हमको मिलते हैं, उनके थ्रू भी हमें इतिहास का पता चलता है, उन्होंने उसमें क्या लिखवाया था, उन्होंने कौन सी पिक्चर उसमें बनवाई थी, ये सारी चीजें हमें कॉइन्स के थ्रू पता चलती है। स्टैचूज आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और एग्जाम्पल, और स्टैचूज का मतलब होता है मूर्तियां, यानी कि पुराने जमाने की बनी हुई मूर्तियां, स्टैचूज, उनके थ्रू भी हमें पता चलता है। जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो वहां पर ब्यूरी मटेरियल में खुदाई करने के बाद में हमें नाचती हुई लड़की का एक स्टैचू मिला, इसी तरह से नटराज का स्टैचू मिला। तो उससे ये पता चलता है कि उस टाइम की कला और संस्कृति किस तरह की थी, यानी उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में हमें पता चलता है। तो ये तो थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सेकेंड वन इज लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी यानी कि साहित्य से जुड़े हुए सोर्सेज। आप सभी जानते हैं कि बुक्स का बड़ी बहुत वैल्यू है बुक्स की, और पुराने जमाने में भी कुछ ना कुछ लिखा जाता था। तो लिखा जाता था, कैसे लिखा जाता था, ऐसे सोर्सेज जो कि लिखावट के फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, वो दो तरह के हैं। एक तो रिलीजियस सोर्सेज है, दूसरे है नॉन रिलीजियस सोर्सेज। रिलीजियस सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो धार्मिक होते हैं, और इंडियन हिस्ट्री में इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि धार्मिक लिटरेरी सोर्सेज हमें बहुत मिले हुए हैं और हम इन पर बिलीव करते हैं। जैसे कि वेद है, उपनिषद है, ये क्या है, रिलीजियस लिटरेरी सोर्सेज है। नॉन रिलीजियस अगर हम सोर्सेज लिटरेरी सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पर ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा, या फिर बायोग्राफी यानी कि किसी भी पर्सन की जीवनी। तो पुराने लोगों ने जो अपने आत्मकथा लिखी तो उस समय के बारे में, वहां की कला और संस्कृति के बारे में भी लिखा उन्होंने। बायोग्राफी भी इन्होंने करी, किसी भी राजा के बारे में उसकी जीवनी लिखी, किसी राइटर के बारे में जीवनी लिखी, किसी फॉरेन किसी फेमस पॉपुलर पर्सन के बारे में बायोग्राफी यानी कि जीवनी लिखी। तो ये जितने भी सोर्सेज है ये क्या है, और ये आपके सोर्सेज आते हैं लिटरेरी सोर्सेज हिस्ट्री को जानने के लिए। नाउ कम्स टू डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स का मतलब होता है कि जो भी फॉरेनर ट्रैवलर यहाँ पर आए भारत में, एक टाइम था जैसे कि आपने सुना होगा इब्ने बतूता का नाम सुना होगा, आपने फायान का नाम सुना होगा, आपने अल-बिरूनी का नाम सुना होगा। तो ये फॉरेन ट्रैवलर्स अलग अलग देशों से भारत में आए, और इन्होंने उस समय की कला और संस्कृति, उस समय की इकोनॉमी, उस समय के लोगों के बारे में अपने बुक में लिखा, और इनके थ्रू हमें पता चलता है कि उस टाइम का इतिहास कैसा रहा था। तो हिस्ट्री बहुत आसान है बच्चों, इसको समझने के लिए हमें सिर्फ इनके सोर्सेज का अध्ययन करना होता है, स्टडी करनी होती है। तो आई होप सो कि आपको समझ आएगा। नाउ कम्स टू सोशल स्टडी की दूसरी ब्रांच, जिसको हम ज्योग्राफी बोलते हैं। ज्योग्राफी जो शब्द है बेटा, ये भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जैसे कि अभी हिस्ट्री की हमने बात करी थी, ये भी ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया था। तो ये ग्रीक वर्ड है ज्योग्राफिया, जिससे कि ज्योग्राफी शब्द लिया गया है, और इस ज्योग्राफिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ लैंड, इनहेबिटेंट्स, फिनोमेना ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स। यानी कि जब हम स्टडी करते हैं लैंड की स्टडी करते हैं, हम इनहेबिटेंट्स यानी कि उसमें रहने वाले लोगों की हम बात करते हैं, किस तरीके से वो अपने लाइवलीहुड को सर्वाइव कर रहे हैं, उसके अर्थ के फिनोमेना की बात करते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो ये सारा का सारा क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। नाउ कम्स टू सिविक्स। सिविक्स जो वर्ड है, देखिए ये दोनों वर्ड तो ग्रीक वर्ड से बने हुए थे, लेकिन ये जो सिविक्स वर्ड है ये लैटिन वर्ड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका मतलब है सिविकस, जिसका जो वर्ड है लैटिन वर्ड,
वो क्या है सिविकस है और सिविकस का मतलब होता है रिलेटिंग टू अ सिटीजन स्टडी ऑफ थ्योरेटिकल पॉलिटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटीजनशिप एज वेल एज इट्स राइट्स एंड ड्यूटीज। यानी कि जब हम लोगों की बात करते हैं किसी भी सोसाइटी के उनके राइट्स की बात करते हैं उनके ड्यूटीज की स्टडी करते हैं हमें उनके लिए और आगे क्या करना चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए हम किसी भी सोसाइटी को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरह से हम उसको मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा सकते हैं उनके क्या राइट्स होने चाहिए जो मार्जिनलाइज्ड पर्सन है उनके क्या राइट्स होने चाहिए तो ये और उनके और एक सोशल बीइंग होने के नाते हमारी क्या ड्यूटीज होनी चाहिए। तो किसी भी मुल्क में किसी भी कंट्री में ये सारे राइट्स ये सारे ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को या वहाँ के लोगों के राइट्स और ड्यूटीज की उनकी प्रैक्टिकल लाइफ की जब हम बात करते हैं और उसको स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है सिविक्स या फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो बेटा आपको समझ आया होगा आई होप सो। आप क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 और क्लास 9 आप चारों ही क्लास के बच्चों को कि सोशल स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है इसको हमें क्यों स्टडी करना चाहिए और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है लास्ट में बहुत समराइज फॉर्म में मैं बताने जा रही हूँ इसकी 3 ब्रांचेस है हिस्ट्री ज्योग्राफी और सिविक्स। आई होप सो कि आप इसको एंजॉय करेंगे पढ़ेंगे और ये जो वीडियो है आपको यूट्यूब से मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल को यानी कि अल हिदायत पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वहां पर ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करिए और उसको पढ़िए। आपको ये सारे नोट्स भी हम व्हाट्सएप के थ्रू हम सेंड करेंगे और उम्मीद है कि आपको वो नोट्स भी पसंद आएंगे और आप अपनी स्टडी को यूं ही जारी रखेंगे और पेरेंट्स बच्चों को स्टडी में मदद करेंगे उनको फोन वगैरह अवेलेबल कराकर। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।